एवरीवन, मैं हूं निशा और आप सभी का मैं अपने चैनल निशाज बास्केट में वेलकम करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मजे में होंगे और अपना अपना टेक केयर कर रहे होंगे और अपना अपना टेक केयर करना बहुत जरूरी है। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं और ब्लॉग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड को जब ब्लड प्रेशर हुआ ना तो मैंने उनकी बहुत टेक केयर करी खाने में और इस समय वॉक करने जाना है, गंगाराम हॉस्पिटल से उनका डाइट चार्ट मंगाया और सब कुछ उनका स्टेप बाय स्टेप करा, एकदम परफेक्टली ऑल राइट हो गया, उनका नॉर्मल हो गया एकदम। तब मेरी सिस्टर, जो बड़ी वाली सिस्टर है, वो मुझे हमेशा बोलती थी कि बहुत अच्छी बात है कि तू टेक केयर करती है पर साथ में अपनी भी टेक केयर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पर्सनल टेक केयर करना हम लोग अवॉइड करते हैं अपनी टेक केयर करने के लिए, पर आप अपनी टेक केयर ज़रूर करो। तब मैंने ध्यान नहीं दिया इस बात पे, लेकिन ये सच बात है कि हम जो लेडीज़ होती हैं ना वो अपना टेक केयर नहीं करते हैं और सबका टेक केयर करने में इंटरेस्टेड होते हैं और जब सब हम बीमार हो जाते हैं तो हमारे साथ घर भी बीमार हो जाता है, सब लोग बीमार हो जाते हैं। जैसा कि मेरे हस्बैंड ने एक ब्लॉग में बोला भी है कि निशा के बीमार होने से पूरा घर बीमार हो गया, सच बात है। और मेरे घर में मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा है, इनको कुछ भी नहीं आता बनाना, चाय तक नहीं बनानी आती है, तो वेरी डिपेंडेंट। तो मैं अपने को ठीक करने की कोशिश करती हूँ, अभी बहुत नॉर्मल हो रही हूँ, मैं कोई फ़ोन अटेंड नहीं करती, मैं कोई फ़ोन नहीं देख रही, मैं लैपटॉप भी नहीं देख रही क्योंकि मेरे हस्बैंड ने बोला कि मैं तुम्हारा एडिटिंग वगैरह सब कर दूंगा फॉर द टाइम बीइंग के लिए, तुम मत करो जब डॉक्टर ने मना करा है। तो जहाँ तक आपने थंबनेल से देख लिया होगा कि मैंने बोला फैमिली सपोर्ट जीरो। जीरो का मतलब ये नहीं है कि फैमिली मेरे से जलती है या मेरी ग्रोथ में जलती है, नहीं, या मेरी ग्रोथ नहीं चाहती, ऐसा नहीं है। मेरे फैमिली में जब किसी को पता पड़ता है कि हम कोई काम शुरू कर रहे हैं तो वो आगे आकर बड़ा कहते हैं कि भाई वेरी गुड, ऑल द बेस्ट, अपनी विशेस देते हैं, प्रेयर करते हैं, ब्लाह। लेकिन जब मैं उनको पूछती हूँ कि आपने मेरा वो ब्लॉग देखा तो बोलते हैं यार देखेंगे, अच्छा टाइम ही नहीं मिला, देखेंगे। तो फैमिली सपोर्ट का ये मतलब है, अब हम जो अपना चैनल बना रहे हैं, हम जो अपना ब्लॉग बना रहे हैं, तो हम क्या सोचते हैं कि यार अगर फैमिली में इतने लोगों ने देख लिया तो हमारे इतने व्यूज काउंट हो जाएंगे, हम लोग ये सोचते हैं, जिसमें हमारा चैनल ग्रो करेगा, राइट? लेकिन उनको ये सब कुछ पता नहीं है। तो इसलिए मैंने बोला फैमिली सपोर्ट जीरो है, अगर फैमिली मेरी देखती तो मेरे व्यूज बहुत बढ़ते, पर मुझे अपने ऊपर वाले पर भरोसा है और अपने YouTube फैमिली पे भरोसा है और कि आप मेरे को पूरा सपोर्ट करेंगे और मेरे चैनल की ग्रोथ को बढ़ाएंगे। अब सैम जो है मेरा शूट कर रहे थे पर जो कीवी है वो बिल्कुल भी शूट करने नहीं दे रही है और वो उनकी गोद में आकर बैठ गई। कीवी, ये हमारी सच में इंटरटेनमेंट है, इससे हमारा बहुत दिल लगता है, पर इसको पता पड़ गया अभी हम जाने वाले हैं कहीं। फ्रेंड्स, इतना खूबसूरत मौसम हो रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ कीवो। चलिए ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं क्योंकि कीवी सैम की गोद से निकल गई है और अभी वो मेरे आगे पीछे घूम रही है, उसे पता पड़ गया है कि हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं। फ्रेंड्स, बहुत अच्छा मौसम है, यानी कि बहुत ही अच्छा मौसम है, तो आज सोचा कि कहीं बाहर चले। सैमी, कॉफी पीने चले? नहीं, अभी कॉफी नहीं पी सकते, तो गोलगप्पे खिला दो। चलो गोलगप्पे खाएंगे हम आज, क्योंकि आज बाहर जाकर कुछ ना कुछ तो खाना ही है और थोड़ा एंजॉय करना है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, मैं आपको बता रही थी कि जो सपोर्ट होती है वो बहुत जरूरी होती है हमारे को आगे बढ़ने के लिए। मैं उन सब न्यू क्रिएटर्स को, जो यूट्यूबर मेरी तरह हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, मैं उन सबको ये बात बताना चाहती हूँ। जब मेरा फ्रेंड्स, मैंने नया नया चैनल खोला था और मैं जब एक ब्लॉग अपलोड करती थी, कोई भी ब्लॉग अपलोड करती थी, तो मेरा एजेंडा होता था जैसे ही मैं अपलोड करती थी वैसे ही मैं शेयर करना शुरू कर देती थी अपने व्हाट्सएप पर, अपने फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को। लेकिन मैंने अब ये सब कुछ करना बंद कर दिया बहुत महीनों से, क्योंकि इससे कुछ फ़ायदा नहीं होता, बिकॉज किसी के पास टाइम है, किसी के पास टाइम नहीं है। और हम लोग तो बहुत ही इंथुजियास्टिक होते हैं ना कि चलो अब ब्लॉग डालते हैं, अभी अच्छा लगेगा, वो अच्छा लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो जितने भी नए यूट्यूबर हैं, मैं उन सभी को ये बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ डू नॉट शेयर, बिकॉज कोई फ़ायदा नहीं है,
कोई भी फायदा नहीं है। आप अपनी मेहनत करें और आपको मेहनत का फल मिलेगा। मैंने तो यही सोच लिया है कि मैं मेहनत करती जाऊंगी और मुझे मेहनत का फल मिलेगा और आप लोग मुझे बराबर सपोर्ट करेंगे। और आज मैंने एक कमेंट पढ़ा, बहुत अच्छा कमेंट था, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपके हस्बैंड, योर हस्बैंड इज वेरी सपोर्टिव। वेरी ट्रू, मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे। जब मैं बीमार थी, डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट पे रखा था, तो उन्होंने मुझे बार बार यही कहते थे, निशा जल्दी ठीक हो जाए, तुझे अपनी ब्लॉग नहीं बनाने, क्योंकि उनको पता था मुझे ब्लॉगिंग बहुत अच्छी लगती है, ब्लॉग करना बहुत अच्छा लगता है। तो उनको हमेशा कहते थे, निशा जल्दी खड़ी हो जा, जल्दी ठीक हो जा, तुझे अपने ब्लॉग बनाने हैं। जिस दिन मैंने अपना पहला ब्लॉग बनाया, वो बहुत खुश हुए। तो यस, ही इज वेरी सपोर्टिव। तो चलिए इस समय बाहर चलते हैं। बहुत मैंने भाषण दे दिया, अपने मन की बात कर दी, मेरे मन में ये बात थी इसलिए मैंने आज ये आप लोगों के साथ शेयर करी है। तो चलिए बाहर चलते हैं, कीवी को घर में छोड़कर। कीवी को मैंने अभी आम खिलाया है। जब हम आम खाते हैं ना, तो हम आम ऐसे खा नहीं सकते, क्योंकि जो कीवी है ना, वो हमारे पीछे भागती है कि पहले मुझे दो। तो इसलिए थोड़ा पहले इसकी प्लेट में डालते हैं और फिर बाद में हम खाते हैं। तो चलिए चलते हैं बाहर और फिर बताते हैं, दिखाते हैं आप मौसम का हाल। देखिए क्या मस्त मौसम है। ये सच बात है कि बारिश बहुत होने से मतलब कूड़ा बुड़ा बहुत हो जाता है, कीचड़ हो जाती है, लेकिन अच्छा भी बहुत लगता है। पेड़ पौधे सारे ग्रीन हो गए हैं, एटलीस्ट गर्मी से तो बचे हैं। क्या ख्याल है आपका मौसम के बारे में? मौसम मजा लेने के। आपका हमेशा यही कहना है, मुझे गर्मी बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। नहीं होगी तो बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो सर्दी नहीं होगी, सर्दी नहीं होगी तो मौसम के अंदर फल फूल कैसे आएंगे? वो ठीक है, लेकिन गर्मी में बनाया इसलिए हर एक मौसम का फायदा उठाओ, लुफ्त उठाओ। गर्मी में कहीं बाहर निकलने का दिल ही नहीं करता। तो फ्रेंड्स, आज हम बहुत दिनों के बाद मॉल में आए हैं। सैम ने अपनी मीटिंग मॉल में ही अरेंज करी है और वो आपको दिख रहा है स्टारबक्स, वहीं पर जाना है, पर मैंने कॉफ़ी नहीं पीनी है। स्टारबक्स जाना है, मीटिंग वहीं रखी है सैम ने, जानबूझ के रखी है, पर कॉफ़ी नहीं पी सकती। पर मैं कॉफ़ी नहीं पीऊँगा, नहीं पी सकती। पर कौन सा कितने टाइम के बाद पीऊँगी? और अगले दो हफ्ते पियो, दो हफ्ते, टू वीक्स। आर यू श्योर? यस। 2 वीक्स के बाद में तो मैं पी सकती हूँ? ओह यस, ओके, ठीक है, चल। पर मैं फिर मीटिंग में क्या करूँगी? दिखने के लिए आया हूँ। चालू। इनसे मॉल कितना अच्छा है ना, एकदम स्क्वायर है मॉल, बहुत वेरी नाइस। अभी अभी हम घर पर आ गए हैं वापस मीटिंग से और सब कुछ अच्छा रहा, मौसम बहुत ही फर्स्ट क्लास है। ये देखिए, ये इंतजार में बैठी है कि मुझे गोद में ले ले किसी भी तरीके से। ये मेरा बच्चा। और तुमने खाना क्यों नहीं खाया? हाँ, बच। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि मैंने जो मैसेज देना था वो आपको मिल गया। मैंने यही मैसेज देना था कि सिर्फ अपनी मेहनत करते चलो, किसी पे डिपेंड मत हो, और अच्छे से अच्छे व्लॉग बनाओ। जैसा मैंने भी सोचा है, अच्छे से अच्छे ब्लॉग बनाऊंगी, मेहनत करूंगी, हर 2 दिन में एक ब्लॉग डालने की कोशिश करूंगी, ताकि मुझे मेरी मेहनत का फल मिल सके और आप मुझे सपोर्ट कर सके। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ब्लॉग पसंद आए तो उसको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिए, छोटा सा कमेंट करिए पर करिए ज़रूर। मुझे बहुत अच्छा लगा, किसी ने एक कमेंट करा मेरे हस्बैंड के लिए कि इज़ वेरी सपोर्टिव, मुझे बहुत अच्छा लगा, लोग कैसे पहचान जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, मज़ेदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।